आज देश मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। पीएम मोदी ने देश को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। राजपथ पर कुछ ही समय के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद में दिखेगा हिंदुस्तान का दम। राजपथ पर राफेल की पहली उड़ान नजर आएगी और जो पहली बार ऐसा मौका होगा जब इस राजपथ पर, इस परेड में बांग्लादेश की सेना की टुकड़ी भी शामिल होगी। ये दर्शाता है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए और मजबूत होते रिश्तों को। दरअसल पीएम बॉक्स में आज पहली बार देश के होनहार छात्र नजर आएंगे जिनके साथ में मौजूद होंगे पीएम मोदी और वो परेड इसी बॉक्स से देखेंगे। वहीं इसके पहले वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी पीएम मोदी देंगे। अब से कुछ ही समय के बाद में तस्वीरें सामने आनी भी शुरू हो जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने निवास से निकलेंगे और सबसे पहले उन शहीदों को नमन किया जाएगा जिन्होंने देश के प्रति शहादत दी है। और पीएम मोदी शहीद मेमोरियल जाएंगे और वहां पर जाकर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर गणतंत्र दिवस के जो परेड है उसे देखा जाएगा। हिंदुस्तान का दम आज पूरी दुनिया देखेगी और कई तस्वीरें आज इस अनोखी परेड में भी नजर आएगी। हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। कोरोना महामारी की वजह से इस बार जो हमेशा तैयारी होती है उसमें बदलाव किया गया, चाहे वो समय हो, चाहे वो क्षमता हो या तौर तरीके हो। और इसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, जय हिंद। आज हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और ताकत का पर्व। आज हिंदुस्तान अपना बहुत एक ऐसा त्यौहार जो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, बल्कि जिसे पूरा हिंदुस्तान मिलकर मनाता है। भारत की एकता, अखंडता के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरी दुनिया राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत देखती है, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पहली बार राफेल लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के रूट को भी छोटा किया गया है। यहां तक कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से 15 साल से कम उम्र के बच्चे परेड का हिस्सा नहीं होंगे, तो साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होगा। पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। और सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी रविकांत इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, कोरोना महामारी की वजह से हमने पिछले काफी वक्त में बहुत से बदलाव देखे और इस बदलाव की झलक आज गणतंत्र दिवस की जो झलकियां हमेशा नजर आती थी परेड में वो भी देखने को मिलेगी। इस बार क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ अलग देखने को मिलने वाला है? देखिए नैना, सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिंद के वीरों का स्वागत करने के लिए मौसम भी पूरी तरीके से मेहरबान है, क्योंकि आमतौर पर पिछले एक दो दिनों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन आज मौसम पूरी तरीके से साफ है, विजिबिलिटी क्लियर है, यानी जो राजपथ पर परेड होगी वो पूरी तरीके से विजिबल होगी और लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और जो लोग राजपथ पर मौजूद होंगे वो इस परेड को साफ तौर पर देख पाएंगे। क्योंकि पहली बार 55 साल में ऐसा हो रहा है कि पैंडमिक के दौरान ये पूरा का पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए नैना कोविड गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर जो 1.5 लाख लोग पहुँचते थे राजपथ पर देखने के लिए हिंद की ताकत को, उसको घटाकर लगभग 25,000 कर दिया गया है और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 30 सालों से सुखोई 30 के आयुष शो टॉपर होता था, लेकिन वो फाइटर जेट जिसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हुई वो इस बार हिंद की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेगा। यानी राफेल जो फाइटर जेट है वो वर्टिकल चैलरी मनोवर करेगा और उसके
मैनूवर के साथ ही यहां पर जो फ्लाई पास्ट होता है उसका समापन होगा। इसके अलावा हिंद की ताकत को दिखाया जाएगा राजपथ पर, किस तरीके से कोविड पैंडेमिक के दौरान भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की और आज भारत पूरी दुनिया में अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से जो मित्र देश हैं उनको मदद पहुंचा रहा है। बिल्कुल रविकांत, और यही इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण तस्वीरें भी नजर आएंगी, कहा जा सकता है उसका साक्षी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी रहेगी।